दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौकछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत न्यूज हेडलाइंस के साथ। नवगछिया शहर सील रहने के बावजूद सुबह 3 बजे से गुलजार हो जाता है बाजार, 7 बजे सुबह तक बंद हो जाती है दुकानें। खूब हो रही कालाबाजारी और मुनाफाखोरी। नवगछिया नगर पंचायत क्षेत्र में तीसरे दिन भी स्वास्थ्य टीम के लोगों ने घर घर जाकर की स्क्रीनिंग। नवगछिया के नदी थाना क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव कोशी नदी किनारे से हुआ बरामद। नवगछिया नगर पंचायत क्षेत्र सील के बावजूद दुकान खोलकर खाद्यान्न देने वाले दुकानदार व खरीदार पर होगी कार्रवाई, दुकान होगी सील। एसडीओ मुकेश कुमार ने दिया निर्देश। नवगछिया खरी के तेलगी में अज्ञात विक्षिप्त महिला बरामद, पुलिस ने कोरोना संक्रमण जांच हेतु भेजा अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया। नवगछिया खरीक बाजार के सब्जी हाट में नहीं बिकेगा सब्जी, सोशल डिस्टेंसिंग के बाबत लिया गया निर्णय। अपने पति को लेकर 24 घंटे तक भागलपुर से नवगछिया इलाज के लिए भटकती रही महिला, शुक्रवार को ब्रेन हेमरेज के बाद अपने पति को लेकर नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंची थी महिला। प्राथमिक इलाज के बाद किया गया भागलपुर रेफर। नवगछिया के तेतरी पंचायत में राशन कार्ड लाभुकों के बीच किया गया वितरण। नवगछिया लॉकडाउन में पुत्र की खोज में दर दर भटक रही गोपालपुर प्रखंड के तिंटेंगा करारी की वृद्धा पुत्र के बरामदगी को लेकर लगा रही गुहार। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में 19 लोगों का जांच के लिए लिया गया ब्लड सैंपल, स्क्रीनिंग टीम के 5 लोगों की भी हुई जांच। भागलपुर मायागंज अस्पताल से भागे एक शख्स सहित जमुनिया के 9 लोगों को पुलिस ने पकड़कर कराई जांच। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड क्षेत्र में लॉकडाउन में ग्रामीण बाजारों में रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में भारी उछाल। नारायणपुर नगर पारा के अग्नि पीड़ित 20 परिवारों को मिलेगा आर्थिक मदद। नारायणपुर पीएससी में 6 व्यक्ति का हुआ स्वास्थ्य जांच। नारायणपुर के सिंहपुर में किया गया सैनिटाइज का छिड़काव। नारायणपुर में मुखिया ने किया साबुन का वितरण। अब खबर विस्तार से। नवगछिया शहर सील रहने के बाद भी सुबह 3 बजे से गुलजार हो जाता बाजार, 7 बजे सुबह तक बंद हो जाती दुकानें। खूब हो रही कालाबाजारी और मुनाफाखोरी। नवगछिया शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जब प्रशासन द्वारा शहर को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सील किया और शहर के 3 किलोमीटर तक इलाके को सील कर दिया गया, सीलिंग के बाद भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर को सील किए जाने के बाद शहर में राशन से लेकर चाय पान तक की दुकानें खुल जाती है। सुबह 6 बजे तक लोग अपनी जरूरत की सामान को खरीद कर अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। लोग उस समय बेरोक टोक बाजार में घूमते हैं और सामानों की खरीदारी करते हैं। शनिवार की अहले सुबह भी नवगछिया शहर का कुछ ऐसा ही माहौल था। देर रात पुलिस पदाधिकारी के आराम में जाने के बाद सुबह 3 बजे से ही शहर की विभिन्न चौक चौराहे पर दुकानदारों के द्वारा दुकान खोल दी गई थी। शहर के दुकानों के खुलने के साथ ही लोगों की भीड़ शहर की सड़कों पर जमा हो गई थी। इसके बाद लोगों ने सब्जी से लेकर राशन पानी एवं आवश्यक वस्तुओं के साथ चाय पान तक का आनंद लिया। इसके बाद सुबह जब तक पुलिस के जवान अपने अपने निर्धारित स्थान पर आते सभी दुकानें बंद हो गई थी। लोग अपने अपने घरों में जाकर बंद हो गए थे। 7 बजे तक शहर पूरी तरह से खाली हो गया। ऐसा लगने लगा कि शहर में सील के बाद सब कुछ का पालन हो रहा है, लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन शहर के अहले सुबह का नज़ारा कुछ और होता है। लेकिन पुलिस के ड्यूटी पर आने के साथ ही सड़कें सुनी हो जाती है।
बताते चलें कि नौगछिया बाजार में कालाबाजारी और मुनाफाखोरी भी परवान पर है। हर सामग्री के मूल्य में 20 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। आम लोग जरूरत की सामग्री लेने को विवश हैं। नौगछिया के पंकज कुमार भारती, अशोक केडिया, प्रवेश कुमार यादव ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के साथ साथ सीलिंग को तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में 19 लोगों का जांच के लिए लिया गया ब्लड सैंपल। स्क्रीनिंग टीम के 5 लोगों की भी हुई जांच। भागलपुर मायागंज अस्पताल से भागे एक शख्स सहित जमुनिया के 9 लोगों को पुलिस ने पकड़कर कराई जांच। एक खरीक, एक बीहपुर एवं एक गोपालपुर से लाए व्यक्ति का लिया गया सैंपल। नवगछिया में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी सख्ती से बाहर से आए लोगों एवं सर्दी, खांसी, बुखार, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ होने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर उनका जांच के लिए ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। शनिवार को इसी क्रम में 19 लोगों का ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए पटना RMRI सेंटर भेजा गया है। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि शनिवार को 19 लोगों का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। जांच के लिए भेजे गए लोगों में नौगछिया नगर पंचायत क्षेत्र में चल रहे स्क्रीनिंग के दौरान पाए गए 5 संदिग्ध लोगों का सैंपल लिया गया, जबकि नौगछिया प्रखंड के जमुनिया गाँव से 9 लोगों को पुलिस के द्वारा लाया गया था, उसकी जांच हुई है। साथ ही एक व्यक्ति जो मायागंज अस्पताल से बिना जांच कराए ही भाग गए थे, पुलिस ने उसे भी पकड़कर उसका जांच कराया है। इसके अलावा बीहपुर से पुलिस द्वारा भेजे गए एक व्यक्ति, खरीक से भेजे गए एक व्यक्ति एवं गोपालपुर से भेजे गए एक व्यक्ति की जांच के लिए ब्लड सैंपल लिया गया है। जांच में जिन लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया है उन सभी लोगों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर रखा गया है। मालूम हो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अब तक नौगछिया से 32 लोगों का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया है, जिनमें 3 लोगों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट रविवार एवं 10 लोगों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट सोमवार एवं शनिवार को लिए गए 19 लोगों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट मंगलवार तक आने की संभावना है। इसके अलावा पूर्व में स्वास्थ्यकर्मी सहित कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 14 लोगों का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, सबों का रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इसके बाद प्रशासन द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के 4 परिजन का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, सभी 4 की रिपोर्ट भी शुक्रवार को निगेटिव आई थी। गोपालपुर, लॉकडाउन में पुत्र की खोज में दर दर भटक रही तिनटेंगा करारी की वृद्धा। 27 मार्च से ही अपने मित्र के साथ लापता पुत्र की खोज में एक मां गोपालपुर थाने से लेकर नौगछिया SP कार्यालय की दौड़ लगाकर परेशान होकर विक्षिप्त होने लगी है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेंगा करारी गांव की शैलो देवी रोते बिलखते हुए कहती है कि आबे कहां खोजबे हो बाबू अपनो बेटा का। 27 मार्च से ही शैलो देवी का 45 वर्षीय पुत्र सियाराम यादव अपने दोस्त बिहारी मंडल के साथ अपने घर से 12 सीट दियारा गेहूं की फसल की तैयारी हेतु गया था, जो आज तक अपने घर नहीं लौटा है। सगे संबंधियों के यहां भी ढूंढने के बाद शैलो देवी ने गोपालपुर थाने में लिखित आवेदन देकर अपने पुत्र की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। कई बार थाने का चक्कर लगाने के बाद गोपालपुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया, परंतु पुलिस इस मामले को दूसरे रूप में देख रही है। बताते चलें कि पिछले वर्ष फसल चराने के विवाद में तिनटेंगा करारी के प्रमोद यादव की हत्या लाठी से पीट पीट कर दी गई थी। इस मामले में सियाराम यादव व उनके 2 भाइयों पर गोपालपुर थाने में नामजद मामला दर्ज कराया गया था। सियाराम यादव इस मामले में फरार चल रहा था, जबकि 2 भाई जेल में हैं। अतः गोपालपुर पुलिस का कहना है कि इस मामले में मेल जोल करने हेतु दबाव बनाने के लिए सियाराम यादव के मामले को बनाया गया है, जबकि शैलो देवी का कहना है कि दबंगों ने मेरे बेटे की हत्या कर सबको गंगा नदी में बहा दिया है। वहीं पूछे जाने पर गोपालपुर पुलिस ने कहा कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश के आलोक में मामले की जांच की जा रही है। नवगछिया, तीसरे दिन भी स्वास्थ्य टीम लोगों के घर जाकर की स्क्रीनिंग। नौगछिया नगर पंचायत को सील किए जाने के बाद लगातार तीसरे दिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गठित 15 टीम के द्वारा माइक्रो प्लान के अनुसार लोगों के घर घर जाकर उसकी स्क्रीनिंग की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल ANM, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सेविका ने लोगों के घर घर जाकर उनके घर में कितने सदस्य हैं, कोई बाहर से भी आया है, सभी लोगों का स्वास्थ्य कैसा है आदि जानकारी ले रही है। शनिवार के देर शाम तक स्क्रीनिंग का कार्य किया गया। प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक ओम गुप्ता ने बताया कि टीम का कार्य देर शाम तक चला है, इसलिए सभी टीमें की फाइल रिपोर्ट आज तैयार नहीं हो पाई। सुबह 10 बजे तक शनिवार को हुए स्क्रीनिंग के कार्य की रिपोर्ट दी जाएगी। मालूम हो कि पिछले
तीन दिनों में सभी 15 टीम के द्वारा 20,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। माइक्रो प्लान के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के सभी वार्डों में कुल 15 टीमों द्वारा 40,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जानी है। कार्य की स्थिति को देखते हुए 3 से 4 दिन में नगर क्षेत्र में लोगों की स्क्रीनिंग का कार्य पूर्ण होने की प्रबल संभावना है। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड क्षेत्र में लॉकडाउन में ग्रामीण बाजारों में रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में भारी उछाल। प्रशासनिक पदाधिकारी के कड़े निर्देश के बावजूद लॉकडाउन में गोपालपुर के ग्रामीण बाजारों व गांव की दुकानों में रोजमर्रा की जरूर सामानों की कीमत आसमान छू रही है। दुकानदार मनमानी कीमत पर खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं, जिस कारण गाँव के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बताते चलें कि ग्रामीण बाजार में चीनी प्रति किलो 50 रुपए की दर से बेचा जा रहा है, आलू 20 रुपए, प्याज 25 से 28 रुपए किलो की दर से दुकानदारों द्वारा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। सरसों तेल, हल्दी व धनिया पाउडर भी ऊंचे भाव में बेचा जा रहा है। गोपालपुर प्रखंड के मकंदपुर चौक, सुखटिया बाजार, अभिया बाजार में दर्जनों थोक विक्रेता हैं, परंतु जिला प्रशासन के सख्त निर्देश के बावजूद सामानों की उपलब्धता व मूल्य तालिका का बोर्ड नहीं लगाया गया है। वहीं गोपालपुर अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नौगछिया सील हुआ बेहाल तो नौगछिया SDO ने कहा, दुकान खोलकर खाद्यान्न देने वाले व्यक्ति व खरीदार पर होगी कार्रवाई, दुकान होगा सील। नौगछिया शहर में अले सुबह दुकान खोलकर खाद्य सामग्री देने वाले दुकानदारों पर प्रशासन स्तर से कार्रवाई की जाएगी। नौगछिया SDO मुकेश कुमार ने कहा कि जो लोग अले सुबह दुकान खोलकर ग्राहकों को बुलाकर सामान दे रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन स्तर से इस संदर्भ में रेड कराया जाएगा। इस दौरान अगर कोई भी दुकान खुली पाई जाती है तो उक्त दुकान को सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दुकानदार एवं दुकान में खरीद करने आए ग्राहकों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान अगर अहले सुबह जिन दुकानदारों के पास निर्गत किया गया है वे भी खुले पाए जाते हैं तो उनकी दुकान भी सील होगी। अहले सुबह किसी भी परिस्थिति में दुकान नहीं खुलनी है। वहीं बताते चलें कि शनिवार को भी नौगछिया बाजार के कई दुकानें अहले सुबह से खुली हुई थी। नवगछिया, अज्ञात महिला का शव कोसी नदी से बरामद। नदी थाना क्षेत्र के कहारपुर के समीप कोसी नदी किनारे एक करीब 25 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर अनुमंडलीय अस्पताल पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। वहीं मृतक के शरीर पर किसी भी जगह कोई जख्म नहीं है। थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि प्रथम दृष्टि से नदी में डूबने से मौत होना प्रतीत हो रहा है, लेकिन पहचान के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। नवगछिया प्रखंड के तेतरी पंचायत में 220 लाभुकों के बीच राशन कार्ड का किया गया वितरण। नवगछिया प्रखंड अंतर्गत तेतरी ग्राम पंचायत के मुखिया रविंद्र कुमार दास के द्वारा राशन कार्ड का वितरण किया गया। मौके पर तेतरी पंचायत के कुल 239 राशन कार्ड में से 220 राशन कार्ड का वितरण लाभुकों के बीच किया गया, बाकी बचे 19 कार्ड का वितरण रविवार को किया जाएगा। मौके पर पंचायत के विकास मित्र सुभाष कुमार दास, मुखिया रविंद्र कुमार दास, वार्ड प्रतिनिधि संतोष कुमार, धर्मेश दास, मनीष कुमार सिंह, वार्ड संख्या 1 एवं 2 के प्रतिनिधि ने विशेष रूप से भागीदारी लेकर लाभुकों के बीच राशन कार्ड का वितरण किया। मौके पर मुखिया रविंद्र कुमार दास ने बताया कि उनका कार्य निरंतर चलता रहेगा, वे अपने पंचायत के सेवा हेतु तैयार हैं। नवगछिया, अपने बेहोश पति को लेकर 24 घंटे तक भागलपुर से नवगछिया इलाज के लिए भटकती रही महिला। शुक्रवार को ब्रेन हेमरेज के बाद अपने पति को लेकर नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंची थी महिला। प्राथमिक इलाज के बाद रेफर किया गया भागलपुर। लॉकडाउन में कोरोना मरीज को छोड़कर दूसरी बीमारी के पीड़ित मरीजों के लिए भागलपुर जिले में किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। गोपालपुर थाना क्षेत्र की महिला किरण देवी शुक्रवार से ही अपने बीमार अचेत पति राजकुमार शाह को लेकर भागलपुर से नौगछिया तक दौड़ लगाती रही, लेकिन उसकी सुधी लेने वाला कोई ना था। शनिवार को नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में लाचार होकर किरण देवी हर किसी को कह रही थी कि उसका पति जिंदा है, सांसें चल रही है, इलाज हो जाए तो बच जाएगा। किसी तरह की व्यवस्था नहीं देखकर किरण अपने पति को पुनः घर लेकर चली गई। जब नौगछिया के सामाजिक कार्यकर्ताओं, आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फाइटर जेम्स, भाजपा नेता सज्जन भारद्वाज किरण देवी के घर पहुंचे और नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से एम्बुलेंस की व्यवस्था कर राजकुमार शाह को भागलपुर के भाजपा नेता सह विधान पार्षद डॉक्टर NK यादव के नर्सिंग होम में भर्ती कराया। देर शाम खबर लिखे जाने तक इलाज शुरू कर दिया गया था। राजकुमार की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
वहीं पूछे जाने पर मकनपुर निवासी किरण देवी ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर में उसका पति राजकुमार शाह घर में कुर्सी पर बैठे हुए थे कि अचानक कुर्सी से नीचे गिर गए और अचेत हो गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। अनुमंडल अस्पताल से एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया और राजकुमार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल जाने को कहा गया। सदर अस्पताल पहुंचने पर वहां भी चिकित्सकों ने कहा कि राजकुमार शाह का इलाज यहां संभव नहीं है और उसे मायागंज भेज दिया। थक हार कर परिजन फिर मायागंज पहुंचे तो यहां भी राजकुमार शाह के इलाज होने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वे लोग मरीज को लेकर देर रात तक घर चले आए। सुबह राजकुमार को लेकर उनकी पत्नी एक बार फिर नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंची। इलाज की किसी तरह व्यवस्था नहीं बनते देख वह पुनः राजकुमार शाह को लेकर घर चली गई। किरण देवी ने बताया कि चिकित्सक उन्हें पटना जाने को कह रहे हैं, लेकिन पटना जाने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। वह सब्जी बेचकर अपना घर चलाती है और 4 बच्चों का भरण पोषण करती है, इसलिए वह एम्बुलेंस का खर्चा भी नहीं उठा सकती है। दूसरी तरफ जब किरण देवी के परिजनों ने पता किया तो पता चला कि भागलपुर या नौगछिया के सरकारी अस्पतालों से राजकुमार शाह को पटना भेजे जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। चिकित्सकों ने किरण देवी को बताया कि जिस तरह से राजकुमार बेहोश है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि उसका ब्रेन हेमरेज हो गया है। किरण देवी ने भी कहा कि निजी अस्पताल में भी इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। यह उनका दुर्भाग्य है कि अपनी पति को तिल तिल मरते हुए आंखों के सामने देख रही है। वहीं पूछे जाने पर भागलपुर के सिविल सर्जन ने कहा कि मायागंज में सिर्फ कोरोना के मरीज का ही इलाज होता है, जबकि सदर अस्पताल में ब्रेन हेमरेज के मरीज के इलाज की व्यवस्था नहीं है। जिले में जितनी भी एम्बुलेंस उपलब्ध है वह सभी कोरोना मरीज की सेवा में लगे हैं, इसलिए पटना भेजने के लिए मरीज को एम्बुलेंस सेवा नहीं दिया गया। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि शुक्रवार को उक्त मरीज जब नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल आया तो प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद उसे भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया और एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराया गया था। शनिवार को भी जब परिजनों ने भागलपुर जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की तो उसे उपलब्ध करा दिया गया। पटना भेजने के लिए नौगछिया से एम्बुलेंस सेवा देने का कोई प्रावधान नहीं है। नौगछिया, खरी के तेलघी में अज्ञात विक्षिप्त महिला बरामद। नौगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र के तेलगी बयार में अज्ञात अधेड़ महिला को पुलिस ने बरामद किया है। महिला की शक्ल सूरत देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी दूसरे राज्य पंजाब या हरियाणा की है और वह लॉकडाउन के क्रम में रास्ता भटक गई होगी। वह अपना नाम संतोष बताती है। दूसरे राज्य की महिला की सूचना मिलने पर खरीक पुलिस ने कोरोना संदिग्ध महिला समझकर स्क्रीनिंग कराने हेतु अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। नवगछिया के खरीक बाजार सब्जी हाट में नहीं बिकेगी सब्जी। कोरोना की जंग जीतने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इस बाबत खरीक प्रखंड विकास पदाधिकारी सुधीर कुमार ने खरीक पुलिस के साथ बैठक कर यह निर्देश दिया कि खरीक बाजार के सब्जी हाट में संकीर्ण जगह पर सब्जी हाट नहीं लगेगी। सभी सब्जी विक्रेताओं को यह निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय अवधि में सब्जी विक्रेता साइकिल और ठेले पर सब्जी लेकर गली मोहल्ले में लोगों के घरों तक जाकर सब्जी की बिक्री करेंगे। इसके बावजूद अगर वे नियम कायदे के मुताबिक अगर कोई भी सब्जी विक्रेता सब्जी हाट में सब्जी बेचते पकड़े जाएंगे तो उन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। नारायणपुर के सिंहपुर में सैनिटाइज का छिड़काव। नारायणपुर प्रखंड के सिंहपुर पंचायत के मौजमा गनौल नवटोलिया में लगातार गली घर मोहल्ले में मुखिया प्रतिनिधि प्रीतम मिश्रा, पैक्स अध्यक्ष नीलाभ चौधरी, पंचायत समिति प्रतिनिधि सहित अन्य युवाओं की टोली बनाकर सैनिटाइज का कार्य कराया जा रहा है। वहीं बीडीओ अजय प्रकाश राय ने छिड़काव की सराहना करते हुए बताया कि सभी पंचायत के मुखिया को छिड़काव करने की बात कही गई है। नारायणपुर प्रखंड में मुखिया ने किया साबुन का वितरण। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा उत्तर पंचायत के नारायणपुर चक्रामी व रामू चक टोला एवं भवानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मी के बीच मुखिया नरेंद्र कुमार ने साबुन का वितरण किया। मौके पर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मंटू यादव सहित अन्य मौजूद थे। नारायणपुर के अग्नि पीड़ित 20 परिवार को मिलेगा आर्थिक मदद। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा दक्षिण पंचायत के नगरपारा पासवान टोला एवं ब्राह्मण टोला में लगे आग से 20 परिवार का घर जलकर राख हो गया था। नारायणपुर सीओ सह आपदा पदाधिकारी रामजपी पासवान ने बताया कि आग लगने से जिन परिवारों का घर जला है उसे सरकारी स्तर पर आर्थिक सहायता राशि प्रत्येक परिवार को 9,800 रुपए पीड़ित परिवार के बैंक खाते पर भेजा जाएगा।
नारायणपुर पीएससी में 6 व्यक्ति का हुआ स्वास्थ्य जांच। पीएससी नारायणपुर में डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर संजय प्रसाद के द्वारा अलग अलग समय में 6 व्यक्ति के स्वास्थ्य का जांच किया गया। उक्त जानकारी देते हुए पीएससी प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी ने बताया कि जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण नहीं पाया गया, फिर भी चिकित्सक द्वारा सबों को घर में रहने की सलाह दी गई है, साथ ही लगातार साबुन से हाथ धोने की सलाह भी दी गई है।